हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन हेल्प में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS के बारे में, जो कि MHRD NATS के द्वारा कंडक्ट की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं जिसमें कि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म ऑफ कंपनी अप्रेंटिस, रेलवे अप्रेंटिस, अदरवाइज कोई भी अप्रेंटिस आती है, उसमें NATS का रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह वेरीफाई होने में लग जाता है। इसके लिए आप इससे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कोई भी अप्रेंटिस या कुछ आती है तो उसमें आप इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप अपना इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें MHRD NATS पे क्या होता है कि फॉर्म फिल दो तरीके से होते हैं। पहला कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर हैं तो इसमें इस पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 12th 10th अगर ITI होल्डर हैं तो आप अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG पर अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिसका जो है वीडियो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम MHRD यानी कि NATS का ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस, गवर्नमेंट अप्रेंटिस या कोई भी आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, आ जाएगा। तो इसमें सर्च बार में आपको टाइप करना है फ्रेंड्स NATS। जब आप NATS को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का। सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे लॉगिन का और इनरोल का। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन किए हुए तो आप लॉगिन करके इंटर कर सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर नहीं है तो न्यू वाले इस पर क्लिक करेंगे इनरोल पे। तो हम इनरोल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा फ्रेंड्स, इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए जो है 4 स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे कि IM जो दिखा रहा है, तो इस ऑप्शन को क्लिक करके आपको देख लेना है। जैसे कि IM स्टूडेंट ये सब दिया हुआ है, तो इसमें से एक सेलेक्ट, जैसे कि IM स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन के आ जाएगा। तो इसको स्क्रॉल करते ऊपर देखेंगे तो आप अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो IM स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप जो आती है ऑप्शन में, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो ड्यूरिंग है क्या है तो आप देख लेंगे। आई हैव कम्प्लीटेड या ड्यूइंग कर रहे हैं तो ड्यूइंग पे क्लिक करेंगे, अगर आप कंप्लीट हैं तो कंप्लीट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो आता है आपका, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा आपको या आप ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, TH, फार्मा, इस तरह से अगर आपको आता है तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। अगर डिप्लोमा इन इंजीनियर हैं तो सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कि आपका ईयर सेलेक्ट करने का, तो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप पास हो। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको सेलेक्ट करने का, आप रेगुलर है कि पार्ट टाइम या डिस्टेंस में है, तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सिंपली इस दोनों में नो ही रहने देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो ज़रूरत इसमें पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड जो कि वैलिड होना चाहिए, और पर्सनल ईमेल ID जो भी वैलिड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जिस पे वेरीफाई के लिए ईमेल OTP जाता है वो रहना चाहिए। इस तरह से फ़ोटो का साइज़ रहेगा आपको, पासपोर्ट फोटो का साइज़ जो कि 200 KB के अंदर में रहना चाहिए, जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए फ्रेंड्स। वहीं आधार कार्ड सेलेक्टेड जो या तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना है वो आपको रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगला जो रहता है आपका क्वालिफिकेशन डिग्री, यानी कि जिसमें जिस क्वालिफिकेशन आपका है उसका जो है 1 MB से कम का होना चाहिए, प्रोविजनल या क्वालिफिकेशन डिग्री। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि इसका पासबुक का जो है PDF जो होना चाहिए 1 MB के अंदर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसका फ्रेंड्स, आई हैव एवॉइड डाटा पर क्लिक करेंगे। पहले हम फिल कर लिए हुए, इसको हम इस पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसमें टाइप करना है जो कि आपका एक्टिव ईमेल होगा, ईमेल आईडी इसमें टाइप कर लेना है। तो फ्रेंड्स टाइप करते पहले हम इसमें, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल टाइप कर लेने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स इस पर हम क्लिक करते हैं। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना ओटीपी टाइप करना है, उसके बाद फ्रेंड्स कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो पहले हम ओटीपी टाइप कर लेते हैं। जब फ्रेंड्स कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर का, तो आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो पहले हम इसमें नंबर टाइप कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगा। उसको करना क्या है कि इस वाले में टाइप करना है, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो है आपका अगला स्टेप आएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो नाम होगा उसके अकॉर्डिंग नाम अपना फिल कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पासवर्ड आपको बनाना है 8 कैरेक्टर में। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो करना क्या है कि आर बड़ा ले लीजिएगा, ए छोटा ले लीजिएगा, उसके बाद एम कर दीजिएगा, उसके बाद 1 2 और @ इस तरह का मिक्सिंग करें कोई भी, आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा और फ्रेंड्स इसको इसमें फिल कीजिएगा। उसके बाद इसी को फिर दोबारा टाइप करके कन्फर्म कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इसको कर लेने के बाद क्या करना है आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो पहले हम इसको पासवर्ड क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन के आ जाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका कंप्लीट हो चुका है एलिजिबिलिटी चेक का, जिसमें आप देख सकते हैं 10% प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स इसको स्क्रॉल करते ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए आपके, इसको पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है। उसका जब अगला स्टेशन चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ को टिक करने का ऑप्शन दिखाया था, सिंपली इसमें टिक करना है, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो पहले हम इसको टिक किए, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक किए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो 2 ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट सेकंड, अब यहाँ पे 3रा ऑप्शन कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल 25% कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाएंगे कि फर्स्ट में जो है आपका फ़ोटो अपलोड करना है, इस पर क्लिक करके जो कि आपका फॉर्मेट होगा JPG में। और फ्रेंड्स यहाँ इसका जो साइज रहेगा जैसे कि 4.5 x 3.5 रहेगा और 4.5 इसका हाइट होगा। सो फ्रेंड्स इसका जो आप देख सकते हैं 200 KB के अंदर में होना चाहिए, इसको हम अपलोड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगला स्टेप में देखेंगे कि आपको यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा। उसको यहाँ पे आपको करना है कि आप अपना फादर का नाम टाइप करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपना मदर का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो है आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टार मार्क लगा हुआ है सबको फिल करना अनिवार्य रहता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद आप जेंडर चूज कर लेंगे मेल फीमेल जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। उसके फ्रेंड्स आप अपना आधार कार्ड इसमें डाउनलोड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपका लंबा वाला आधार कार्ड है तो आप फ्रंट साइड का फोटो खींच के उसको अपलोड कर सकते हैं, अगर आप नीचे का कटिंग करके रखे हुए तो दोनों साइड का फोटो खींच के इसमें अपलोड करना होगा जो कि PDF फॉर्म में होगा और 1 MB से कम में होना चाहिए। फ्रेंड्स अगला स्टेप में आप देखेंगे कि जैसे कि कम्युनिटी है तो आप अपना कास्ट सेलेक्ट करेंगे जो जिस कास्ट से भी आप आ रहे हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो अगर मैंडेटरी कम्युनिटी है तो यस करेंगे अन्यथा नो, जैसे कि मान ली हिंदी मुस्लिम पारसी जो भी अकॉर्डिंग आते हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो पे करके छोड़ देंगे, जैसे कि हम यस करते हैं इस तरह से अकॉर्डिंग करके आप देख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल विथ डिसेबिलिटी अगर यस है तो यस करेंगे अन्यथा नो करके छोड़ देंगे, जैसे कि हैंडीकैप व्यक्ति होता है वो इनके लिए रहता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डिटेल्स है जैसे कि कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें जो है परमानेंट एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आप रह रहे हो वो वाली, तो आप वहाँ का पिन कोड टाइप कर लेंगे, उसके बाद आपका स्टेट देख लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका आ रहा हो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका लिस्ट खुलेगा। जैसे कि हम देखिए टिपेंगे तो जो भी आपका आ रहा हो उस तरह से आप इसको फिल करेंगे। हम आपको मोटी सिर्फ उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो है यहाँ पे तालुका ब्लॉक या तहसील जो भी आपका होगा इसमें क्लिक करके आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद विलेज या लोकेलिटी इसमें फिल करना है, उसके बाद डोर या स्ट्रीट आप किस मोहल्ले से आते हैं उसको इस टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका सेम एड्रेस रहता है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो भी ऑप्शन होगा फिल होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि हम पहले फिल किए उसको टिक करने के बाद सेम एड्रेस आ गया है जो हमने पहले फिल किया था, उसको स्क्रॉल करते ऊपर ही चलेंगे। अगला स्टेप में आप देखेंगे कि आपका बैंक इन्फॉर्मेशन जो कि बैंक का आप नाम टाइप कर लेंगे,
सेलेक्ट करके इसमें से देख लें जो भी आपका बैंक होगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो है बैंक का नाम टाइप कीजिएगा, बैंक का जो ब्रांच होगा ब्रांच नेम टाइप कीजिएगा, बैंक अकाउंट होल्ड नाम नंबर जो होता है नंबर इसमें टाइप कीजिएगा, उसका फिर IFSC कोड इसमें टाइप कर लीजिएगा। उसका फिर यहाँ से करना क्या है कि आपको बैंक का जो कोई भी प्रूफ होगा अपलोड कर लेना है, और फिर उसका जो है जैसे कि पासबुक अपलोड कर सकते हैं, और फिर जिसमें क्या हो कि IFSC कोड टोटल इन्फॉर्मेशन हो तो पासबुक अपलोड कर सकते हैं उसको। उसका साइज रहेगा PDF में रहेगा और 1 MB से कम रहेगा। इस तरह से इसको अपलोड करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप जब आएगा आपको फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू का, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ये कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट ऑप्शन बचा हुआ जो कि 50% कंप्लीट हो चुका है देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका अगला ऑप्शन आ जाएगा टाइप ऑफ डिप्लोमा, या आपने 10+2 के बाद किया है या डिप्लोमा 10 के बात किए हैं। सो फ्रेंड्स अब अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे जो भी है, जैसे कि हम 10+2 के बाद हैं तो 10+2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिप्लोमा में सेलेक्ट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर सकते हैं, रोल नंबर या इनरोलमेंट ID नंबर जो भी आपके पास है वो आप इसमें से देख कर टाइप करेंगे सर्टिफिकेट में से। उसमें अगला स्टेप में होता है नेम ऑफ द टेक्निकल बोर्ड, बोर्ड जो है आपके किस है बोर्ड आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आपका बोर्ड है आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप जब आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट टू विच द कॉलेज बिलोंग, कहाँ से आपका किस स्टेट से आपका कॉलेज बिलोंग करता है, तो जो भी आपका स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिल कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप में जब आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट इन विच द कॉलेज बिलोंग, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका बिलोंग कर रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे क्योंकि मैं डेमो ग्रुप में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर अगला नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का नाम क्या है, तो कॉलेज का नाम जो भी होगा आप इसमें से देख के फिल करेंगे आपका जो भी कॉलेज हो। और फ्रेंड्स अगला जब आता है तो ब्रांच ऑफ डिप्लोमा, आपका कौन सा ब्रांच है डिप्लोमा में, तो उसके अकॉर्डिंग जो फिल करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि आपका जो भी होगा वो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स जब अगला आता है जैसे कि तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क इशू के कारण ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था जो कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम आ रहा था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्रांच ऑफ डिप्लोमा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा जो भी आपका ब्रांच होगा उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा आपका ब्रांच आ रहा है। सो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग आप फिल इसको करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पासिंग ईयर क्या है, तो पासिंग ईयर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स पासिंग ईयर का जो मंथ है, मंथ ऑफ पासिंग कौन सा मंथ है, तो इसके हिसाब से आप देख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप आता है तो परसेंटेज या CGPA क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। जैसे कि हम इसमें सेलेक्ट करते हैं परसेंटेज है मेरा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क्स इसमें टाइप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन आता है क्लास अवेटेनेट का, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्लास विथ ऑनर्स या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास जो भी आपका होगा उसमें फ्रेंड्स आप इसको फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको अगला स्टेप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप दिखा दे रहा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो इस पर क्लिक करके ऐड करेंगे, अन्यथा एक है तो सब्जेक्ट का नाम एक ही करके इसमें टाइप करके फिल कर देंगे। उसमें फ्रेंड्स इसका जो है शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स, सो फ्रेंड्स अगर कोई शॉर्ट टर्म में है तो यस करेंगे, सॉरी यस कर बोल रहे हैं कि नेम ऑफ कोर्स का नाम इसमें टाइप करना है। उसके बाद ड्यूरिंग वीक्स कितने वीक्स तक चला है वो आपको इसमें टाइप कर लेना है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग उसमें से आप इसमें नाम टाइप कर लीजिएगा। अगला जो स्टेप आता है फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या करना है कि आप अभी नहीं अपलोड इसलिए नॉट अवेलेबल बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है कि अपलोड डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन डिग्री एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसमें कोई भी सर्टिफिकेट आपका होगा उसको यहाँ पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है, जो कि फॉर्मेट आपका होगा फ्रेंड्स PDF में होगा और 1 MB से कम में होगा। सो फ्रेंड्स हम पहले इसको फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाए हैं कि अपलोड करने के बाद आपका क्लिक इस तरह से टिक साइन होकर टिक आ जाएगा। उसमें अगला में आता है कि अपलोड टू रिज्यूम, तो अपलोड रिज्यूम करना है, तो यहाँ पे उसका भी साइज रहेगा PDF में 1 MB से कम होना चाहिए, तो इस पर भी अपलोड करके क्लिक करते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो है आपके सामने इस तरह से पेज बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 1, 2, 3, 4 ये कम्प्लीट हो गया, कुछ और फिल करने जो कि आप देखें प्रोफाइल 75% कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करना क्या है कि आप प्रिफ्रेंस ऑफ ट्रेनिंग, प्रिफ्रेंस कौन सा ट्रेनिंग में दे सकते, जैसे कि
आपको चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की जो है कंपनी का जो है एस्टेब्लिशमेंट होगा आपको, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो एरिया वाइज दिया हुआ नियरेस्ट आपके नज़दीक में जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट प्रेफरेंस जो भी आपको देना है उन सबको देंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इसको एरिया को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप जब चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉइस ऑफ स्टेट सिटीज प्रिफेयर फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आप अपना अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि इसमें चॉइस देंगे। जैसे कि हम इसे हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे नज़दीक में उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। फ्रेंड्स चॉइस में अगला में दूसरा कोई स्टेट आप देना चाहते हैं तो दूसरा कोई स्टेट दे देंगे, कोई भी दूसरा, और उसमें फ्रेंड्स इसमें कोई एक ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नज़दीक के हिसाब से देख लेंगे जो भी आपका हो। फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। अगला स्टेप में जब आते हैं तो चॉइस यहाँ पे देख सकते हैं कि चॉइस ऑफ प्रिफर्ड स्टेट टू वर्क आफ्टर ड्यूरिंग कि उसका। फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट में और सेकंड में सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट में क्या जो इसका भी कोई अपने हिसाब से देख लेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिला जो है जिला हम सेलेक्ट, अगला स्टेट जो है वो दूसरा हम देख लेंगे। इस तरह से आप अलग अलग इसमें टाइप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगला स्टेप में चलते हैं तो यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन है, अगर टिक कर लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो सिंपली इस पर हम क्लिक करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो है अगला स्टेप आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो चारों स्टेप पूरा हो चुका है और आपका जो प्रोफाइल है 100% कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स इसको स्क्रॉल करते ऊपर तक चलेंगे तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट देख लेंगे सारे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि या तो आप सबमिट कर सकते हैं और उसको फ्रेंड्स अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स हम इसको प्रिंट कर लिए हुए, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है स्टूडेंट और मेल पर भी आ गया। ऊपर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो कि आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स इस तरह से इसको आप देख लेंगे और फ्रेंड्स इसका जो है आपको रेटिंग सब दिखा देगा। और सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे हम क्लिक कर दिया और इस तरह से आपका ये जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। और आपके ईमेल पे एक्टिव ईमेल जो होगा उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसका चला गया होगा। सो फ्रेंड्स इसको इस तरह से सेव करके रख लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल के नीचे की देखेंगे तो आपको दिखा देगा स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, सक्सेसफुली हो चुका है। और आपका जो रहेगा ईमेल एड्रेस रहेगा और आपका पासवर्ड यहाँ पर दिखाई दे देगा। और इस तरह से आप इसको ऑल देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट पे क्लिक करके उसको प्रिंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने जाना कि MHRT यानी कि NATS पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके बारे में जाना। सो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा। फ्रेंड्स जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।